काई जब सुख से उम्मीद कर दिया सब मजे में हो गए, तो सुबह का मौसम इतना सीन हो रहा है, तो 9 बज गए, रात को 2 बजे नींद आई थी तो थोड़े लेट उठे हैं। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश इतनी तेज़ हुई हुई है, बार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और स्कूटर निकलने की जगह नहीं है, कभी पैदल ना जाया जाए मुझसे, पैदल जाना पड़ेगा, इसकी बहुत सोच के आ गया कि फिर, और इधर तो स्कूटर निकालने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। और इधर मैंने सुबह सुबह चाय बना लिया, तो चाय पीएंगे उसके बाद नाउंड होंगे। इधर मन मेरी चाय और तनु की चाय रेडी कर लिया है, ये पिएगी तो। खड़ी हो बेटा, खड़ी हो, गिराएगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बारिश आ रही बहुत जोर की, बार बहुत तकड़ी बारिश थी आज। क्या दिखा रही है उसको, पड़ो को देख रही है। तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और मैं स्कूटी लेके जा रही, तो स्कूटी लेके नहीं जा रही, तनु ने करी मम्मा स्कूटी ले जाओ निकल जाएगी, पर इतने वो देख लो बारिश का बहुत बुरी हालत हो रही है। मैंने कहूँ बेटा किस तरह लेके जाऊंगी, सारा पानी पानी भरा हुआ है। बुआ जी ने कह देती हूँ, बुआ जी छोड़ आएगी मेरे को। और इधर मैंने अस्तर धो दिए हैं, ये अस्तर मैं लेके जाऊंगी, 2 अस्तर उधर दूंगी, क्योंकि इधर तो बस 2 ही सुखाने की जगह थी, दुकान के बाहर सुखा दूंगी। और तनु मेरे ऊपर हो रही गुस्सा, मैंने इधर कंघी कर ली है कि मैं बाल ये झाड़ू निकलते मैं ये बाल दोबारा चेंज कर लेते ना, वो तेल जब हो जाता है बेटा। कहाँ खड़ी करके आई है, मेरे से तो निकली नहीं है लड़की, अनो कितनी दूर स्कूटी खड़ी करके आई है देख लो। तो एक किचड़ का दाना भी नहीं है, सारे के दाना नहीं है, है के किचड़ का दाना को नहीं कहीं भी नहीं है, पूरे उरे है अपना अपना। देख ले चेले काम कर जा, कदे कदे गुरु ना को चला नहीं आंदी, कपड़े खराब हो जाए, बढ़ जाऊंगी तो भी बढ़ दूंगी। कीड़ी है ना जी, देख सी लागी सोनू सारे। बस मैंने अभी है ना सारा काम कंप्लीट कर दिया है, बस अभी मैंने पहले खाना बनाया उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि जो तो मैं सुबह कर गई थी और कन्नू के भोग लगा दी, तो इसलिए मैंने पहले खाना बना लिया। अब खाना खा के और फिर मैं नहाऊंगी और फिर उसके बाद मैं कोई तो काम करने वो करूंगी, और फिर मम्मी कह रही थी कि शॉप पे आ जाइए आज, तो देखते हैं फिर शॉप पे जाएंगे। बस नहाने जा रही थी, उससे पहले मैंने सोचा कि मेरा फेस हो रहा है बहुत ज्यादा खराब, तो उससे नहाने से पहले मैंने एक पैक बनाया जो मैंने पहले भी बनाया था, बिल्कुल इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है, सिर्फ इसके अंदर मैंने 5 चीजें डाली है, बेसन और कॉफी पाउडर थोड़ा सा और चुटकी भर हल्दी और शहद और दूध, 5 चीजें मैंने इसके अंदर डाली है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने इसके अंदर वो साबुत वाली कॉफी डाली थी, पाउडर नहीं था, तो इस चक्कर में मेरे को अच्छे से पहले मिक्स करना पड़ेगा, जो कॉफी मतलब ये बड़ी थी ना, तो इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। यार सारा शुक्र है चौधर गुंदी नहीं हुई, मेरी माँ मुझे तोड़ती, पैर पे गिर के रहेगी। तो अभी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, और फिर 15 मिनट इसे फेस पे रखूंगी और फिर उसके बाद नहाऊंगी। मैंने सोचा टी शर्ट तो चेंज करनी है, नहाने के बाद अगर मैं लगाऊंगी तो टी शर्ट पहनूंगी वो खराब हो जाएगी साफ सुथरी, तो इसलिए मैंने सोचा अभी पहन के और लगा के और फिर नहा लूं। तो अभी सारी किचन की मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए, पूरी अच्छे से स्लेप वगैरह साफ कर दी है मैंने, और फेस पे मैंने जो मास्क लगाया था ये भी मेरा बस है ना सूख चुका है, कितनी गंदी शक्ल लग रही है गाइस मेरी। तो बस अभी है ना आज हमारी देखो सुबह से है ना लाइट नहीं है, फ्रिज भी नहीं चल रहा हमारा, सुबह से हमारी लाइट गई हुई है और फ्रिज भी हमारा जो बर्फ वगैरह से ना बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो अभी फटाफट से बस मैं नहाया था, आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद, बाय बाय गाइस। इस बस में मैं नहा के आ गई और मैंने यहाँ पे बाथरूम के पास मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, क्योंकि कीड़िया इतनी ज्यादा हो रही है। पहले हमारा कमरा साफ रहता था, मैं ना नीचे सो जाया करती थी क्योंकि ठंडा फर्श होता था, अब लेट ही नहीं पाती हूँ। देखो कितनी, रुको मैं दिखाती हूँ आपको, देख रहे हो कितनी सारी कीड़िया, अभी तो कम हो गई है। देखो मैंने वहाँ पे हल्दी डाली है, यहाँ पे हल्दी है, और ये देखो पीछे मैंने हल्दी डाली है, इतनी ज्यादा कीड़िया हो रही ना, इतनी ज्यादा पता ही नहीं क्या हो रहा है भाई इन कीड़ियों के, इतनी अच्छे ज्यादा कीड़िया हो रही है। और मेरा बैग में भी इतनी सारी कीड़ा थी, मैंने बाहर झड़का, ये दिखाती हूँ मैं, ये देखो इतनी सारी जो कीड़िया दिख रही है ना ब्लैक ब्लैक से, सारी मेरे बैग के अंदर से निकली है। और मेरे को स्कूल जाना है कल, और कैसे जाऊंगी मैं, देखो मेरे बैग में से निकली इतनी, ये बैग का सामान भी इस चक्कर में बाहर गिरा हुआ है सारा। गई थी बुआ जी और की माता जी के कपड़े चेंज करने, पर बुआ जी और थे नहीं तो मेरे को आना पड़ा, तो अभी ये लोग खेल रहे हैं लेकिन मैं नहीं खेलूंगी, मेरी हवा पहले टाइट हो चुकी है, पैदल चल के गई थी और पैदल चल के आई हूँ। क्या खेल रहे हो तुम लोग, क्या खेल रहे हो, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, वो आ रहा है भागा 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 नहीं जा रहा पर भाग रहा है फिर भी। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ, मेरी हालत देख सकते हो, बिल्कुल पसीने में तरम तर हो रही हूँ मैं, और कीड़ी चल रही है भाई मेरे ऊपर। अब मैं नहा के गई थी, अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, हाय रहम कीड़ी कीड़ी बता रही मेरे से क्या पड़ रही है, मैं कीड़ियों को लगी जब ही आगे चढ़ जाएंगी मेरे ऊपर, और मेरा गला फिर से बैठ चुका है गाइस। तो अभी मैं नहा लेती हूँ, फिर नहाने के बाद चेंज करके फिर मिलती हूँ आपसे।
अभी मैंने ये है ना हल्की सी चटनी बना के रेडी कर दी है। ये है प्याज टमाटर और शिमला मिर्च की चटनी, हल्की सी मैंने धनिया मिर्च वगैरह गिरी है और यहाँ पे मेरे रोटियाँ रेडी हो चुके हैं। बस अब मम्मी का वेट करें, मम्मी किस टाइम तक आएगी, और मैंने चेंज कर लिया था, बस अब मम्मी का वेट है, जब आएंगे जब खाएंगे। देखो हमारी रसोई की स्लिप है, पता नहीं क्या है, मम्मी ऐसे ना करो, एकदम से मत करना भाई, मेरे ऊपर आके पड़ेगी ये। मैं तो अब देखो भाई क्या चीज है ये, शिट उसमें क्यों गिर दी, उसमें गिर दी, बढ़िया होगा ना। हमारे घर पे इतनी खतरनाक खतरनाक चीजें कैसे निकलती है, वो तो शुक्र है भाई मैंने लाइट बंद कर रखी थी क्योंकि लाइट गई हुई है ना। और कसम से गाइस अगर मैं ऐसे यहाँ के हाथ मार देती, मैं बिस्किट लेने जा रही थी, बाहर डोगे आए हुए तो उनके लिए बिस्किट लेने आई थी मैं, और मैं गलती से भी हाथ रखती ना तो मेरा हाथ जोता भाई, छोड़ती है वही तो। तो गाइस हमारे घर में बहुत बुरी हालत हो रही है, मार दे ना, मार दे जीत है, ऐसे ना छोड़ दिया, बस लड़की ना पानी भी नहीं पीवांगे तन्नू, रोटी भी नहीं खाने दे रही आज तो, ये मार दे ना, मार दे तन्नू, अंदर आएगी, मरी नहीं पड़ी, खाना खुना खाया यार, इतने मच्छर नहीं, अब तो मच्छर आ रहा पूरा, इतनी बड़ी बड़ी ये सोच लो वो आ रही है मकड़ी, मत बोलो कई डंक मारती है, ऐसे मारते साधन हो चलो डॉक्टर के पूछना पड़ जाएगा, इतनी मकड़ी आ रही है, और तीन मकड़ी तो हम अंदर छोड़ बाहर छोड़ आए, मतलब हर दरवाजे बंद कर रखे हैं, लाइट है नहीं, ये नहीं समझ मारा कि लाइट चली गई तो हमारा क्या हाल होगा, लाइट तो हमारी है ही नहीं पहली बात तो, और इसने मेरे को बताया भी नहीं मम्मा लाइट नहीं है तो मैं जल्दी आ जाती शॉप से 5 बजे आ जाती, माँ भाई हूँ 8:30 बजे, और हालत हमारी आज होगी बुरी तरीके से खराब, मैं सोच रही लाइट नहीं आई ना तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। लाइट आनी नहीं, सबकी लाइट है तो एक बार उसके पास फोन कर देनी शांति के पास, उस फोन में भी तो है। तो आप पूछ रहे थे ना तेल के बारे में, तेल की दीदी अच्छे से कमेंट नहीं पड़ते आप हमारे, हमको तेल के बारे में बताया, तो ये बताइए एक बार। तो गाइस तेल आपको है ना मिलेगा अभी जो मामा और करीसेंट ब्लॉग आया ना उसके अंदर आपको अब ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो आप जब बाय में भी आई थी वाला ब्लॉग चेक करो, उसके अंदर आपको तीनों नंबर शो हो जाएंगे जिस पे आप मैसेज कॉल कर सकते हो, ऑर्डर अपना बुक कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहो तो ऑफलाइन आपको मिलेगा लोटस के सामने एबीपी पे, लोटस आपको लोटस ग्रीन वैली सबको पता है, तो लोटस ग्रीन वैली के जस्ट सामने है ना आपको बड़े बड़े पोस्टर दिख जाएंगे आदिवासी एरिया के, वहीं पे आपको मिलेगा जीरकपुर में। हाँ, और ऑनलाइन भी मिलने लगा आजकल, ऑनलाइन भी ले सकते हो क्योंकि है ना उस दिन पायल आई थी ना बिग बॉस से, उस दिन उसने पायल ने कार्ड डाल रखा ब्लैक कलर का कार्ड है, उसमें नीचे सारी चीजें दे रखी है, 3 नंबर हैं, और ऑनलाइन भी मिल जाएगा ऑफलाइन भी मिल जाएगा, दोनों तरह से आप ले सकते हो, ठीक है ना। रात के 10 बज चुके हैं, अब बुलाया हमने मिस्त्री, और मिस्त्री है ना हमारा ऐसा है कि इसका बेचारा का समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, सारा का सारा देख ली लाइट वगैरह समझ में नहीं आ रहा के चक्कर रखे नहीं करते बेटा, कर दे ठीक मिस्त्री का ब्लॉग के को लिया करा भाई। हाँ गाइस अब मिस्त्री का ब्लॉग नहीं लेते, मिस्त्री का मेरा ब्लॉग मत लेना थे, मगर ठीक है बेटा नहीं लेंगे। तो हमने सारे काम करवा रही है पर लाइट आने का नाम नहीं ले रही, अभी भी ना रोड पे गए बेचारे दिख नहीं रहे होंगे अपने, तो उधर रोड पे गए हैं दोबारा से करने वास्ते, आ जाए तो लाइट, और सारी सारे तारों में लाइट है पर घर में लाइट नजर नहीं आ रही, तो देखते हैं एक बार लाठी लुठी मार के आ जाए तो, उधर खड़े हैं भाई, तो डर भी तो लगता है ना बारिश का मौसम हो रहा है, और कभी भी चिपक ना जाए, पड़ोस में से लड़काया वो ठीक करने के लिए मिस्त्री तो आया नहीं, लड़का ही आया वो, बहुत बहुत शुक्रिया इस लड़के का कि लाइट लेके आ गया बेचारे ने, सोच लो इतनी रात ने कोई किसी का नहीं जाता रहा, मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं वाई गॉड, बहुत अच्छे पड़ोसी मेरे सारे के सारे, ये वाले भी दीदी निशा तो है ना 24 घंटे खड़ी रहती है भाई, जो भी कोई ज़रूरत हो ना ये अपने लड़कों को भेज देती, उसी टाइम ठीक करवाती, रात को 10 बजे कोई अपने लड़कों को है ना नू सोच ले नहीं भेजता, मिस्त्री तो रात को आए नहीं, और देख लो लाइट बारिश में भी है ना उसने अपना लड़का भेज देना, उन्हें बेटा करंटी दुखी हो जाएगी, रिबी भी नू फोन आया है कि मारा सोचा सपना दुखी मत पाइयो, तो इतने अच्छे पड़ोसी हैं देख लो। तारा भाई जो अंदर आ गया कि आ जाओ, ये देख लो तनु बण भाई किस तरह लग रहे हैं, जब भी मम्मी ने लगाई अपने पैरों पे जो में कि ये हो रहे हैं ना ये ब्लैक ब्लैक से इनकी दवाई लगाई है, और फेस पे मम्मी फेस पे कह रही हूँ बालों में मम्मी ने लगाया आदिवासी हेयर ऑयल, क्योंकि कल शुक्रवार है तो कल मम्मी करेगी हेड वॉश। तो गाइस आपके ना पहले बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते थे, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते थे, और आप है ना थोड़े दिनों से आप बहुत गंदे कमेंट कर रहे हो, कुछ भी बोल देते हो, कभी कुछ बोल देते हो, कभी कुछ बोल देते हो, कभी छोटी बच्ची के लिए बोल देते हो, प्लीज गाइस आप ना गंदे कमेंट मत किया करो बिल्कुल भी, आप बोलते हो कि आप व्यूज पायल का टाइटल लगा के व्यूज कमारी, कोई पायल का टाइटल नहीं लगा लगाया था, पायल ने जो जवाब दिया था उसका मैंने जवाब बोला था कि पायल ने
दिया जवाब सही बोल रही थी, उधर उधर खेली नहीं, इस बारे में मैंने बोला, फिर आपने बोल दिया कि पहले का टाइटल लगा के भी उसको मारिए, कुछ भी बोल देती हो आप, कुछ भी मतलब ना जाओ तो मुश्किल, जाओ तो मुश्किल, रह जाओ तो मुश्किल, जाओ दीदी जाओ दीदी जाओ दीदी, मतलब किसी तरह से जीने नहीं देते आप किसी तरह। मैं आप कहना अच्छे कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई दूंगी, नहीं मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दूंगी आपके कमेंट का बिल्कुल भी, अगर अच्छे हुए तो मैं कल आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगी, जैसे पहले प्यार करते थे ना वैसे प्यार दे दो भाई गाई। आप कई दिन से बहुत नेगेटिविटी खिंडा रखी है आपने, बहुत ज़्यादा खिंडा रखी, एक गंदा कर देता है तो अगले वाला सारा ही गंदा कर देता है, एक अच्छा करता तो सारे अच्छे कर देते, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कुछ भी बोल देते, कुछ मुँह में आई जबान में कुछ भी बोल देते हैं। बस मैं तो यही कहूँगी कि अच्छे अच्छे कमेंट करो, जैसे पहले करते थे ना वही अच्छे अच्छे करो, कि एक बच्चे का दिल बहले हमारा भी दिल बहले, कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाए, ऐसी चीज़ें रख देते हो हमारे सामने ना डरी जाए ना उठाई जाए, ये काम कर देते हो आप। बस मैं इससे फालतू कुछ नहीं बोलूँगी, आपने क्या बोला है क्या नहीं बोला मैं कुछ जवाब नहीं दूँगी आपकी बातों का, अच्छे कमेंट होंगे तो मैं रिप्लाई दूँगी, और कल लाइव भी आऊँगी मैं 10 बजे के करीब लाइव आऊँगी, तो अच्छे अगर आपके अच्छे कमेंट होंगे तो मैं 10 बजे लाइव ज़रूर आऊँगी, कल यूट्यूब पर आऊँगी ज़रूर पक्का। और बस आज का ब्लॉग किसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक कि चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलो, जब तक के लिए फिर डाटा बहुत।